हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ माल्टा की कुछ ओपनिंग शेयर करने जा रहा हूं। आपको पता ही है फ्रेंड्स, माल्टा जो है एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, साथ ही साथ एक शेंगन स्टेट भी है। इससे पहले भी हमने कैंडिडेट्स को जो है माल्टा के लिए मेंटोर किया है। आप सक्सेस स्टोरीज के ब्लॉग्स जो है मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पुराने वीडियोज को आप स्क्रॉल करके देख लें। देखिए फ्रेंड्स, पिछले कुछ महीनों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा था माल्टा के प्रोसेस में, इसलिए हम लोग नए फाइल्स नहीं ले रहे थे और कंट्रीज पर हम लोग फोकस कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग माल्टा के लिए भी यू नो टाइम टू टाइम आपके साथ ओपनिंग्स शेयर करते रहेंगे, डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, डिफरेंट डेजिग्नेशंस के लिए। और माल्टा क्यों जाना चाहिए, माल्टा की क्या खूबियां हैं, इंटरनेट भरा पड़ा इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी ब्रीफ में मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्पोकन प्रोमिनेंटली, अंग्रेजी वहां पर बोली जाती है आमतौर पर। इनफैक्ट इंग्लिश वहां पर एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है लोकल माल्टीज के साथ साथ, और हम भारतीय अधिकतर जो है यू नो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा इंग्लिश बोली लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन होता है। राइट, नंबर टू, क्लाइमेटिक सिचुएशंस काफ़ी फेवरेबल हैं। तीसरा, यूरो चलता है तो आपको सैलरीज काफ़ी अच्छी मिलती हैं। राइट, इसके अलावा माल्टा भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था हिस्ट्री में, तो वहाँ पर जो ड्राइविंग के लॉज हैं, मीन्स बहुत कुछ मिलता जुलता है इंडिया से। तो ये सभी चीज़ें जो है माल्टा को एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव डेस्टिनेशन बना देती हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि शेंगन कंट्रीज में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अब फिलहाल क्या ओपनिंग्स हैं यहाँ पर, को ये समझना होगा कि देखिए, इन सभी ओपनिंग्स में जो हमने अर्निंग्स दिया है, जो वेजेस दी हैं, वो आर्ली वेजेस हैं। प्रति घंटे के हिसाब से आपको कितना मिलेगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको समझना है तो आप क्या करें, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 10 AM to 6 PM आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। राइट, इसके बाद में पहले मैं आपको बता दूं डेजिग्नेशंस फिलहाल क्या क्या हैं, उसके बाद में मैं और पॉइंट्स पर आपसे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेजिग्नेशन है दोस्तों, यह है क्रेन ऑपरेटर का। हमें क्रेन ऑपरेटर चाहिए, 4 to 5 कैंडिडेट्स हमें ऑलमोस्ट अभी चाहिए। राइट, और यहाँ पर 40 आवर्स का वर्किंग है ग्रॉस जो है, और अर्ली वेजेस यहाँ पर हमने मैंशन किया हुआ है 10 EUR to 12 EUR। इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स चाहिए दोस्तों, 4 से 5 ट्रक ड्राइवर्स। मैं 4 से 5 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ CVs, कुछ प्रोफाइल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं जो आप लोगों ने पहले से भेजे होते हैं, हम पहले उनसे बात करते हैं, फिर जो बची रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, नाउ ट्रक ड्राइवर्स को जो अर्ली वेज यहाँ पर ऑफर हो रहा है वो है 8.5 to 10 EUR पर आवर, और ग्रॉस इनका 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा क्राइटेरिया जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर लें, फिर भी समझना है तो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं। देखिए, हमेशा की तरह जिन लोगों ने इंडिया से बाहर काम किया हुआ है, मान लीजिए आपने गल्फ़ में कोई हैवी व्हीकल चलाया है या क्रेन चलाया है, या इंडिया में आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है जिसका जेन्युइन आपके पास आईडी कार्ड है, सैलरी प्रूफ है, ऐसे लोगों का आसानी से सिलेक्शन हो जाता है और उनका वर्क परमिट भी टाइम पर आ जाएगा और वीज़ा स्टैम्पिंग भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वीज़ा स्टैम्पिंग में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम को कंसल्ट कर लें। देखिए, जिन्होंने बाहर काम किया है उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और जो लोग बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस समय GCC कंट्री में काम कर रहे हैं, आप UAE, कतर, बहरीन, ओमान, सिर्फ सऊदी को छोड़कर, राइट, बाकी के किसी भी गल्फ कंट्री में आप काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और आप वहां से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यस, इट इज़ 100% पॉसिबल। आपने करना क्या है, सेम नंबर्स पर आप कॉल करें, बस टाइमिंग का ध्यान रखें। आपको पता है ना, इंडिया का टाइमिंग और गल्फ कंट्रीज के टाइमिंग में थोड़ा सा 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस है, तो उस टाइमिंग को आपने ध्यान रखना है, और मंडे टू सैटरडे ही कॉल करना है, संडे हमारा ऑफ रहता है। इसके अलावा प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अगर इंडियन नेशनल हैं, नेपलीज नेशनल हैं, तो ठीक है, आप चाहे तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहाँ के नंबर से कॉल कर लें, या अपने डोमेस्टिक नंबर से बात कर लें। लेकिन अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं, मान लीजिए आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, आप नेपलीज नागरिक नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा जो दुबई ऑफिस है, हमारा जो UAE का ब्रांच है, वो आपको असिस्ट करे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बट आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इन देशों के नंबर से ही हमें कॉल करना होगा। राइट, तो ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों, तभी हम आपको असिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो नंबर मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ ये हमारे इंडिया के नंबर्स हैं दोस्तों। राइट, जो हमारे दुबई के नंबर्स रहेंगे वहाँ पर हम लोग मल्टीपल नेशनलिटीज़ के लोगों को सर्व कर पाएंगे, चाहे वो फिलिपिनोज हों, चाहे अफ्रीकन नेशनल्स हों। राइट, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो हमारी थोड़ी लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि आपका नेपाल हो गया, इंडिया है, हमारा सबका तो दिल्ली में ही अधिकतर एम्बेसीज हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। राइट, और हमारे नेपाल के बॉर्डर्स भी खुले हुए हैं, तो इसलिए काफ़ी इजी होता है, और हमारे नेपाली भाई बहन जो हैं अधिकतर आते भी इंडिया ही हैं। राइट,
सो एनीवेज, अब ये दो डेजिग्नेशन तो आप लोग समझ गए, इसके अलावा कुछ और भी डेजिग्नेशन हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एल्यूमिनियम फैब्रिकेटर्स चाहिए, इसके अलावा UPVC फैब्रिकेटर्स और जिनको इंस्टॉलेशन का काम आता है, जिनको हम इंस्टॉलर्स बोलते हैं, वे लोग भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन कामों के लिए वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो समय भारत में हैं या नेपाल में हैं, या फिर जो लोग गल्फ में काम कर रहे हैं वे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके यार डॉक्यूमेंट्स हम क्रॉस चेक करेंगे, आपका प्रोफाइल चेक करेंगे कि आपका प्रोफाइल एलिजिबल है कि नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होगा तो फिर हम आपको बोलेंगे कि अब आप PCC करा लें और अपना प्रोसेस को स्टार्ट करें। देखिए, वीज़ा स्टैम्पिंग को लेकर आप ना घबराएं, मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। बीच में नो डाउट ऐसा हुआ था कि इंडिया में जो है 10-20%, आई कैन नॉट गिव यू द एग्जैक्ट फिगर्स क्योंकि मैं माल्टीज एम्बेसी के अंदर तो नहीं बैठता हूँ, आई एम जस्ट अ कंसल्टेंट। तो लेकिन जो ओवरऑल जो समझ आ रहा था वो ये था कि हाँ, 10-20% लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे थे माल्टा में, बट बहुत कम नंबर्स था वो, और वो भी सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट में रिफ्यूज़ल हो रहा था। देखिए, आपको पता होगा कि अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आपके पास और भी अटैम्प्ट होते हैं, और कई बार जेन्युइन रीजंस भी होते हैं रिफ्यूज़ल के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था बीच में कि हमारे एक दो कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम आया था, फिर हमने उनके पासपोर्ट्स को डायरेक्टली कुरियर करवाया इस बार माल्टा। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, अगर आपको इंडिया में वीज़ा स्टैम्प होकर नहीं मिल रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में, और आपका एम्प्लॉयर जेन्युइन है, स्ट्रॉन्ग है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका पेपर वर्क सब कुछ सही है, तो वीज़ा स्टैम्प होएगा ही होएगा, राइट? एंड वी विल एंश्योर कि आपका टाइम, सी पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम दोस्तों, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जब बात आती है यूरोपियन कंट्रीज़ की तो हमारी भी लिमिटेशन होती हैं। बट एक चीज़ आपको समझना है, हम कभी भी नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो या हमारा टाइम वेस्ट हो, राइट? क्योंकि हमारी तो एक रनिंग कॉस्ट है दोस्तों, आपको ये बात समझना है। जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, राइट, ऑफिसेज के रेंट्स जाते हैं, स्टाफ की सैलरीज जाती हैं, तो काम अगर मटेरियलाइज नहीं होएगा, राइट, तो फिर हमें भी कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे जो जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं उनका टाइम वेस्ट हो, राइट, उनका ट्रस्ट में जरा सा भी कुछ इश्यूज आए हमारे साथ। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं आपके साथ स्लोवेनिया, पोलैंड, रोमानिया और भी कुछ देशों की ओपनिंग्स शेयर करने वाला हूँ, और माल्टा की भी कुछ और ओपनिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा आने वाले दिनों में। क्रोशिया की कुछ स्पेशल ओपनिंग्स आई हैं हमारे पास जो हमने दुबई से ही हायरिंग करना है। सो प्लीज़ साथ बने रहें, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पर भी हमें रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।